नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है टॉप 10 का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। नक्सली कैबिनेट सीएम को कभी स्वीकार नहीं करेगी, दिल्ली की जनता का कहना, कपिल मिश्रा ने कहा। आतिशी बनी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, आप विधायक दल की बैठक में फैसला। श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। मुंबई में जियो का सर्वर डाउन, सिर्फ एक घंटे में 10,000 से ज्यादा यूजर्स ने की शिकायत। सभा मुखिया गुंडों के सरगना, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। आप काले धब्बे धोना चाह रही है लेकिन ये धब्बे हटेंगे नहीं, कहना है वीरेंद्र सचदेवा का। अमृतसर बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तान घुसपैठ। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए ईवीएम लेकर रवाना हुए मतदान दल। बिग बॉस विनर मुनव्वर फारूकी की जान को खतरा, मिली धमकी, दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। जिसके पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने की कोशिश की उसे ही बना दिया सीएम, स्वाति मालीवाल का केजरीवाल पर तय। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।